और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस मसले को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड के बढ़ते मामलों और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए समीक्षा बैठक भी की है। और सीएम ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कोविड टेस्टिंग को बढ़ाए जाने और वैक्सीनेशन के लिए हर घर दस्तक अभियान में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, सीएम ने भीड़भाड़ वाले स्थानों और राज्यों की सीमाओं पर रैंडम टेस्ट भी करने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में मामले बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और सरकार भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रही है। तो सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा की गई और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग की। ये देखिए मीटिंग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खतरा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है। ओमिक्रॉन अभी तक हमारे देश में तो कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से ये तेज़ी से फैलता है, शायद डेल्टा वेव से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके सारे के सारे केसेज अभी तक बहुत ही माइल्ड और बहुत ही हल्के, मतलब हम लोग बोल सकते हैं माइल्ड कैटेगरी में रहे हैं। तो इस तरह से खतरा तो हम लोग सिर्फ नंबर को लेकर जरूर है, क्योंकि इंडिया में अगर ये आया तो शायद एक दोबारा हम लोग को दूसरी वेव जैसी देखनी पड़ जाए। लेकिन इस बीच में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि वैक्सीनेशन लगभग 80% से ज़्यादा लोगों का पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज भी 50% के आसपास पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो उस कर को देखते हुए कि, और तीसरा आपने देखा होगा कि जो हमारा सीरो सर्वे था वो भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो चुके थे हम लोग। और ताजा अपडेट क्या है, क्या स्थिति है उत्तराखंड में, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे विनोद का। मेरे सहयोगी विनोद इस वक्त मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि अब खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोरोना के कई मरीज भी उत्तराखंड में मिले हैं और सीएम ने भी अपडेट लिया, अधिकारियों के साथ बैठे, समीक्षा बैठक हुई, क्या स्थिति इस वक्त है, किस तरीके के दिशा निर्देश हैं प्रदेश के लोगों के लिए? बिल्कुल जया, देखिए पिछले करीब 7 से 8 दिन ऐसे हो गए हैं उत्तराखंड में जब लगातार कोविड के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। राज्य सरकार के सामने चिंता इस बात की है आखिरकार जो नया वेरिएंट आया है उसका स्वरूप कैसा होगा। जो जानकारी मिल रही है कि इस नए वेरिएंट का स्वरूप बिल्कुल घातक है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। राज्य के तमाम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। उसी क्रम में कल एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई थी और कोविड के जितने प्रोटोकॉल हैं उनका पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और सबसे पहले अगर इसी क्रम में बात करें तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उत्तराखंड में आते हैं तो उनको लेकर भी विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और जितनी उत्तराखंड की सीमाएं हैं उन पर यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए रैंडमली चेकिंग और टेस्ट कराने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। और जितने कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम एहतियात बरतने के निर्देश और सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए। और वहीं अब ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अब फर्स्ट डोज तो 100% उत्तराखंड में हो ही गई है, लेकिन दूसरी डोज करीब 50% उत्तराखंड में है। हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से तमाम जितने भी ये सेकंड डोज की एक अभियान है उसको 100% करने के निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लिहाजा कल उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। कोविड का नया स्वरूप क्या है, एक जानकारी जिस तरह से मिल रही है कि घातक नए वेरिएंट का एक घातक स्वरूप है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ पर विशेष चौकसी, सतर्कता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। तो ये जरूर माना जाए जया कि पूरे प्रदेश में अलर्ट है। और पिछले करीब एक सप्ताह हो गया कि जब कोविड के मामलों में बड़ा इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में 11 IFS अधिकारी जो पॉजिटिव हुए हैं, सेना की बटालियन के कुछ सैनिक पॉजिटिव हुए हैं, और उसके अलावा जो महामहिम
राष्ट्रपति की ड्यूटी के दौरान जो पुलिसकर्मी है वो पॉजिटिव हुई है। ये तमाम ऐसे घटनाक्रम है जया कि अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबरें आ रही कि एक बार फिर कोविड के मामलों में जबरदस्त उछाल यहाँ उत्तराखंड में होता जा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और सभी जिला अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों से सख्ती से और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी नजर आती है, क्योंकि अगर देखें तो इस वक्त जो नया वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसको लेकर प्रधानमंत्री भी और खुद मुख्यमंत्री भी लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उधर अफ्रीका से आए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है। ये वेरिएंट दूसरी लहर वाले डेल्टा से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है और यही वजह है कि केंद्र और यूपी सरकार भी इसको लेकर एकदम अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, विदेश से आने वाले हर एक यात्री पर नजर रखी जा रही है। आखिर ऐसा क्या है इस वेरिएंट में और क्यों एक बार फिर से दुनिया पर लॉकडाउन का साया मंडरा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अफ्रीका से कोरोना नया वेरिएंट आया, दुनिया पर फिर से खतरा मंडराया। विनाश के रथ पर सवार कोरोना का नया अवतार, तबाही की टिक टिक ऑन, बहुत खतरनाक है ओमिक्रॉन। जिस बात का डर था वही हो रहा है, कोरोना वायरस फिर एक बार भेष बदल कर लौट आया है और अब पूरी दुनिया पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि अफ्रीका से आया ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसने भारत में दूसरी लहर के दौरान तांडव मचाया था, लेकिन नया वेरिएंट उससे भी ज्यादा खतरनाक है और अब तीसरी लहर का खतरा देखते हुए भारत सरकार एकदम अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। विदेश से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, साथ ही RT-PCR और RAT टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। जो गाइडलाइन WHO के माध्यम से जो आई है अभी तक, ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका के कई देशों से प्रारंभ हुआ है, देश में जो गाइडलाइंस आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका 14 दिन उनका RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। हम अपने टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं। मथुरा में 4 विदेशी महिलाओं समेत 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसे लेकर हड़कंप मचा है। हर किसी में नए वेरिएंट को लेकर दहशत है। कानपुर में इमिग्रेशन विभाग से उन लोगों की जानकारी मांगी गई है जो पिछले 1 महीने में ऐसे देश से आए हैं जो नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के देशों को एक बार फिर से दहशत में डाल दिया है। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का नया वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा केसेस के रूप में सामने आ रहा है। कोरोना महामारी का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में भी लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है, बैठकें हो रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, तमाम सरकारें इसे लेकर अपनी रणनीति बना रही हैं और रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी है, यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों को 10 दिनों तक क्वारंटीन रहने का आदेश दिया गया है। यात्रियों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और पूरी जानकारी रखी जा रही है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट पर है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि आप मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ ही जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया एयरपोर्ट पर ही करा ली जा रही है। इसके साथ ही हर आने जाने वाले यात्रियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। सरकार ने उन देशों की सूची जारी की है जहाँ से आने वाले यात्रियों में ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा रिस्क है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, इजराइल, बांग्लादेश, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश शामिल हैं। जिन देशों में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं उनमें अफ्रीका पहले नंबर पर है जहां 110 मरीज मिले हैं, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है जहां 19 मरीज मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड जहां 13 मरीज मिले हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, हांगकांग और इजराइल जैसे देशों को मिलाकर 14 देशों में ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है।
और अब डर इस बात का है कि कहीं ये वायरस भारत आ गया तो क्या होगा, क्योंकि ये वेरिएंट न सिर्फ डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है बल्कि ये इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। यही वजह है कि सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि कैसे भी ओमिक्रॉन भारत की सीमा में न घुस पाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की भी कर लेते हैं। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है और अब वो एक अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस लोकपथ से प्रतिज्ञा पत्र अभियान चलाएगी और आज से चुनाव घोषणा पत्र में आम नागरिकों की राय के लिए अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस जनता से जुड़ने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और इसीलिए ही जनता की राय लेकर कांग्रेस अपनी चुनावी घोषणा पत्र भी बनाना चाहती है। तो कांग्रेस की आम जनता से जुड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस अब लोगों से राय लेगी। कांग्रेस का लोकपथ से प्रतिज्ञा पत्र अभियान शुरू होने जा रहा है और आज से कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, लोगों से उनकी राय लेंगे कि किस तरीके का घोषणा पत्र होना चाहिए, प्रदेश के लिए क्या उनका विजन है और किस तरीके की सरकार से उनकी उम्मीदें हैं। एक तरफ कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जसपुर और अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं के दौरान सीएम धामी कई सौगातें भी देंगे। सीएम धामी कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तो कई योजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। पूरी तरीके से सीएम धामी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और कोई भी गलती इस वक्त कोई भी राजनीतिक पार्टी ना तो करना चाहती है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो लगातार पुष्कर सिंह धामी बैठकें भी कर रहे हैं, सौगातें भी दे रहे हैं। और चलिए अब आपको गुंजन दिखाएंगी धुआंधार अंदाज में उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा, 4 दिसंबर को आएंगे उत्तराखंड, देहरादून में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। हरीश रावत ने किया रुड़की दौरा, कांग्रेस के सदस्यता अभियान में हुए शामिल। गणेश गोदियाल ने भी शिरकत की, दोनों ने कई लोगों को कराई सदस्यता ग्रहण। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का हुआ विरोध, बाहरी नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर विरोध, साहब सिंह सैनी को पार्टी में शामिल करने को लेकर विरोध जताया गया। उत्तराखंड क्रांति दल अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने बड़ी घोषणा की, कहा यूकेडी राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बोले लड़ भिड़ के गैरसैंण को बनवाएंगे राजधानी। चमोली के नारायणगढ़ पहुंची आपकी रोजगार गारंटी यात्रा, आप सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल ने लोगों को संबोधित किया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तो देखिए ये तो उत्तराखंड की खबरें हो गई, लेकिन गुंजन अब वक्त है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के आज चुनावी दौरे कहां रहेंगे, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल जया, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लगातार हम देखते हैं कि किस तरीके से चुनावी यात्राएं अभी की जा रही हैं, चुनावी दौरे किए जा रहे हैं और यही वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा नजर आते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और वो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी गुंजन, बताएं आपको जो अहम दौरे आज रहने वाले हैं उसमें यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है जो कि आज आजमगढ़ में रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह आज सुबह 11 बजे दुर्वासा धाम पहुंचेंगे और वहां पर मंदिर के सुंदरीकरण का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज कुशीनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जनसभा होने जा रही है। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश सभा को यहां पर संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पर बीजेपी पर उनका निशाना होगा। खड्डा विधानसभा में विशाल जनसभा होने जा रही है। ओपी राजभर दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, वो पहुंच जाएंगे और यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर भी दिखाई देंगे। और उसके बाद उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे, यहां वो जसपुर और अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही सीएम धामी यहां कई विकास कार्यों का शिलान्यास और
लोकार्पण भी करेंगे। तो ये अहम दौरे आज गुंजर रहने वाले हैं, जिस पर दिन भर एबीपी गंगा की नजर होगी। बिल्कुल जया, आपने बताया कि कहां कहां पर दौरे होंगे और इस वक्त ये दौरे काफी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं, काफी अहम भी हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। उत्तराखंड की भी बात करें, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, लगातार बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों की बात करें, चाहे सुभा सपा की बात कर लें या फिर बाकी की और पार्टियों की बात कर लें, वो भी लगातार खुद को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जुटी हुई है। बिल्कुल, इस वक्त चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं और नेताजी की व्यस्तता भी काफी हो गई है। अब इन सब के बीच में फिट रखना भी खुद को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए फिट रहना भी एक चुनौती है। चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेता जो फिट हैं वही हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या हैं। आज हम आपको दिखाएंगे प्रतापगढ़ की सदर सीट से अपना दल विधायक राजकुमार पाल के फिट रहने का फॉर्मूला। सुबह पर डे हम लगभग 6 बजे 5:30 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद पहली प्रक्रिया हमारी है कि हमारी 2 भैंसे हैं, उनको चारा पानी देना, उनको पोछना, गोबर हटाना, ये सब काम करते हैं, हमारा सदैव काम रहा है। फिर उसके बाद हम इनसे निवृत्त चारा चलाने के बाद कुछ देर हम अपना एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज इसलिए करते हैं चूँकि अभी हमारी उम्र भी 58 के करीब है और एक्सरसाइज से ही हम चुस्त और दुरुस्त हैं। फिर उसके बाद योगा करने के बाद फिर हम अपना कुछ समय अपने खेती में निकाल लेते हैं। हमारी गार्डन में काफ़ी क्यारियां हैं वहां पर, जो कि खेत सामने है, फिर बगल में हमारी क्यारियां, उसी में हम लोग हमारा 2 घंटे 1 घंटे का समय देते हैं। देने के बाद चूँकि चुनावी माहौल भी है, सुबह उठ करके फिर मैं जब 8 बजे के बाद नहाने धोने के बाद फिर पब्लिक के बीच में आ जाता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से राजपाल सिंह अपना दल के विधायक हैं और कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, क्योंकि इस वक्त इसकी जरूरत भी नजर आती है। चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में व्यस्तता भी बढ़ जाती है और व्यस्तता के बीच में खुद को फिट रखना भी तो जरूरी है, जिसके लिए नेताजी लगातार बराबर काम कर रहे हैं।